तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग, क्या हाल चाल। तो गाइस, इस वीडियो में एक ऐसा न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आप हो सकता है थोड़ा सा भौचक्का सा रह जाए या कर ना पाए उसको। तो गाइस, उसी को मैं क्लियर करने को ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। क्वेश्चन एक सीखो, 10 करके आओ, 10 सीखो, 100 करके आओ, ये एग्ज़ाम का, यही एक पढ़ने का फंडा होता है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपली पूछा है कि दो गोले हैं, अब उन गोलों की जो द्रव्यमान दे रखे हैं 20 किलोग्राम, मान लो M1 का द्रव्यमान 20 किलोग्राम, एक 80 किलोग्राम, लिखते रहो M2 बराबर 80 किलोग्राम, ठीक है। मतलब दो गोले हैं, एक 20 किलोग्राम के, एक 80 किलोग्राम के, दोनों का मैंने लिख दिया। द्रव्यमान क्रमशः 40 मीटर प्रति सेकेंड, ये वाला जो है, मान लेते हैं इसका वेलोसिटी 40 मीटर प्रति सेकेंड है, क्या प्रति सेकेंड, साथ ही साथ ये वाला 10 मीटर प्रति सेकेंड, मान लो U2 बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से एक दूसरे की ओर है। अब लो गोला बनाऊंगा मैं, गोला, दो गोला मैंने बना दिया भाई साथियों। ये देखो, ये मान लो गोला A है, इधर जा रहा है, गोला B है, इधर आ रहा है। तो अगर इनकी डायरेक्शन देखो तो एक दूसरे की क्या है, अपोजिट, क्या है, अपोजिट। अच्छा देखो, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी। अगर दोनों का हम संवेग निकालें तो पहले का, इसका जो संवेग, ये A के लिए, इसका क्या हो जाएगा M1U1, इसका क्या हो जाएगा M2U2, संवेग यही होता है ना, द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी, ये जबकि दे रखा है। अब मेन अब कह रहा है यदि वे टकरा कर क्या हो, जुड़ जाए, टकरा रहे हैं, जुड़ भी जा रहे हैं, संयुक्त गोले का वेग, मतलब प्यार मोहब्बत हुआ, बाद में जाके शादी भी हो गए, टकरा रहे हैं, जुड़ भी जा रहे हैं, समझे कि नहीं, मैंने बताया था तुमको ऐसा क्वेश्चन। तो ये टकरा रहे हैं, आके एक में जुड़ भी जा रहे हैं साथियों, लेकिन ये डायरेक्शन अपोजिट है। अगर डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है, दो गोले एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, टकरा कर जुड़ जाए, दो गोले एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, टकरा कर जुड़ जाए, लेकिन हमें इससे, चलिए हाँ मैं रिमूव करता हूँ थोड़ा सा। तो भाई ये हमें जानना अपोजिट है, अपोजिट हो गया ना। अब मेरा एक फार्मूला देखो, सिंपल सी बात है, अगर जब दोनों टकरा जाएंगे, दोनों टकराने से पहले जो इनकी वेलोसिटी और द्रव्यमान का मतलब संवेग था वह क्या है, अब जब टकरा गए तो इनका द्रव्यमान तो क्या हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा M+M2। अब जब टकरा गए हैं तो भैया दोनों एक साथ चलेंगे ना, चाहे इस डायरेक्शन में, अगर इधर संवेग ज़्यादा हो इधर चलेगा, रिजल्टेंट इधर ज़्यादा हो इधर चलेगा, मतलब जिधर ज़्यादा, तो दोनों एक हो गए, मान लेते उस समय वेलोसिटी कैपिटल भी, तो संवेग तुम्हारा उस समय टकराने के बाद का संवेग ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टकराने के बाद संयुक्त गोले का, देखो प्यार से समझो, अभी शॉर्टकट ट्रिक बनाता हूँ गोले का संवेग, अभी सार ट्रिक बताऊंगा इसमें तुमको, ये हो जाएगा, समझ गए। चलो अब दोनों अगर विपरीत जा रहे हैं तो इसमें से इसको घटा देना, इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो संवेग संरक्षण का नियम तुम्हारा होता है, टकराने से पहले संवेग, टकराने के पहले संवेग बराबर टकराने के बाद संवेग, के बाद संवेग, देखो टकराने के पहले संवेग M1 U1 माइनस करोगे, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट है, अगर एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो प्लस कर देना, M2 U2 बराबर ये टकराने के बाद का क्या है, संवेग है M1 + M2 V। ये कहा है क्या, संयुक्त गोले का वेग, माना हमने संयुक्त गोले का वेग क्या है, कैपिटल वी है, तो वी हमने रखा भी है, इसी वैल्यू निकालनी, तो जब वी निकालोगे तो M1 U1 - M2 U2 अपन ये कहा है इधर भाग दे देगा, ये एकदम परफेक्ट फार्मूला है, यहाँ से तुम इसका आंसर निकाल सकते। देखो मैंने फार्मूला डिराइव कर दिया तुमसे कहते कहते, लेकिन साथियों इसमें देखो
वेलोसिटी जब निकालना है तो एम वन की वैल्यू 20 है, तो 20 गुणे यू वन की वैल्यू 40 है माइनस एम टू की वैल्यू 80 है गुणे यू टू की वैल्यू 10 है बटा एम वन प्लस एम टू 80 और 20। घबराओगे नहीं, 20 80 लिख लो भाई, ये बात बराबर हुआ यार। ठीक है, अब देखो 4 दुनी 8 दुई को 0, 8 एकम 8 मतलब 2 को 0 बटा 100, तो 800 में से 800 जाएगा 0 बच जाएगा, मतलब टोटल 0 मीटर प्रति सेकंड, मतलब टकराने के बाद बेचारे हिल डुल नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। अब देखो सिंपल सा शार्ट, ये तो समझ में गए होगे तुम लोग, शार्ट कट तरीका मैं तुमको बताता हूँ, शार्ट कट तरीका, चलो इसको मैं हटाता हूँ। देखो भैया शार्ट कट तरीका या फार्मूला याद रखो, 1 सेकंड में आंसर हो जाएगा, 1 सेकंड में चैलेंज के साथ कर ले जाओगे भाई। ठीक है, देखो फार्मूला मैंने डिराइव करवा दिया, इसीलिए फार्मूला संयुक्त होने के बाद वेलोसिटी लिखो, संयुक्त होने के बाद पिंड का वेग, ये तुम्हारा शॉर्टकट है। ठीक है, ये देखो v बराबर m1 u1 प्लस माइनस m2 u2 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, समझना इस बात को। अब प्लस मतलब जब दोनों एक ही डायरेक्शन में, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही डायरेक्शन में हो, माइनस मतलब जब दोनों अपोजिट में हो, अपोजिट में हो, ये लिख लो बस, पुट करते। देखो जैसे ये गोले थे, एक इधर जा रहा था तो एक इधर आ रहा था, तो ये अपोजिट हुआ, अगर दोनों गोला इधर ही जाएं या दोनों गोला इधर ही आएं, इसको एक डायरेक्शन में कहते हैं, हुआ ना। बहुत तुम लोग शॉर्ट ट्रिक खोजते हो, लो भैया शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ये रहा तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक, याद कर लेना इसको। और सुनो, तुम अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़ पा रहे, व्हाट्सएप से नहीं जुड़ पा रहे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके तुरंत क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ। और सुनो, सारी तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से करो, वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अगर अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है साथियों। और बिहार के लिए पटना बैच और झारखंड के लिए रांची बैच का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, नंबर लिख लो, नंबर बता दे रहा हूँ 9628004708 9994 81 84 25 पे व्हाट्सअप करो, कांटेक्ट करो और ज्वाइन हो जाओ। तो ऑल द बेस्ट गाइस, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।